दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे बड़ी यदि बाधा है तो वह है हमारे शत्रु। हमारा आराम से चलता हुआ खुशहाल जीवन शत्रु की वजह से इतना बाधक बन जाता है कि हमारे अपने कार्य भी पीछे छूट जाते हैं। अब शत्रुओं से हम निजात कैसे पाएं? शत्रुओं के बल को कैसे करें चूर चूर? शत्रुओं से छुटकारा हमें कैसे मिलेगा? दोस्तों, सबसे अधिक तो काम करता है आपका अपना मानसिक संतुलन। एक तो जीवन में कभी भी अपने मानसिक संतुलन को कमजोर ना होने देना, मानसिक संतुलन बनाए रखना। जीवन में चाहे कितने ही बड़े से बड़े संकट आ जाएं, यदि आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखेंगे तो आप उस बाधा से पार उतर जाएंगे और आपको अपनी मंजिल शीघ्र मिल जाएगी। मन से विचारों से सब कुछ प्रदान होता है, अपने मन को कमजोर कभी ना होने दें। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा यह एक छोटा सा उपाय। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो शनि महाराज की इन मंत्रों के द्वारा, शनि की अर्जी के द्वारा यदि इसे आप पूरा कर लेते हैं, है तो आसान ही, तो पूरा भी फिर कर ही लेंगे, तो समझ लेना आपके शत्रु का बल चूर चूर होने लगेगा। मैं सत्यनारायण शर्मा, छह माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनिवार को बस यह उपाय करना है और आपको आवश्यकता होगी 11 लौंग की। अब लौंग के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लौंग आपने टूटी फूटी नहीं लेनी है, साबुत लौंग ही लेनी है। दोस्तों, बस दोस्तों 11 लौंग लेना है। शनिवार के दिन आपने ऐसे बाहर निर्जन स्थान पर जाना है जहां पर आक का पौधा मिल जाता हो, और बाहर निर्जन स्थान पर आक के बहुत से पौधे मिल जाते हैं। देहाती भाषा में इसे आकड़ा भी बोलते हैं, वैसे इसे मदार के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, शत्रु का विनाश करने के लिए यह पौधा भी बहुत काम करता है, और जब शनि की अर्जी लगेगी तो समझ लेना कि आपका काम शीघ्र हो जाएगा। दोस्तों, बस आपने दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हो जाना है तो आपके सामने फिर आक का पौधा होना चाहिए। बस इतना सा आपने करना है, आपने आक का एक पत्ता तोड़ लेना है। अब आप हाथ में उस पत्ते को रख लेना। अब आपके पास में 11 लौंग जो आप लेकर के गए हैं, वह लौंग आप अपनी जेब में है तो, कागज की पुड़िया में है तो, जैसे भी लेकर के गए हैं, एक लौंग निकालना उसमें से और हाथ में एक लौंग लेना, एक हाथ में आक का पत्ता ले लेना। आपने अब इस मंत्र को पढ़ना है दोस्तों। ओम श्री शनैश्चिराय शत्रुभुजबल विनाशिनाय ह्रीं ओम स्वाहा। अब यहां जब स्वाहा बोलेंगे तब उस लौंग को उस पत्ते में घुसा देना है, चुभा देना है,
और उसका एक नुकीला बल होता है, उसको लगाएंगे तो उसमें से वह अंदर चली जाएगी। बस दोस्तों, एक मंत्र बोला और आपने एक लौंग को इसमें अंदर घुसा दिया। अब दूसरी लौंग को लेना है, यही मंत्र बोलना है और इसी प्रकार से इस आक के पौधे पत्ते में लगा देना है। आप 11 मंत्र बोलेंगे तो 11 लौंग इसी प्रकार से पत्ते में जगह जगह कहीं पे भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा दें। अब इस पत्ते को सीधे हाथ में पकड़ लेना और दोस्तों शनि महाराज से अपने शत्रु के नाम की अर्जी लगाना कि हे शनि महाराज, मैं अमुक नाम के शत्रु का बल चूर चूर करने के लिए यहां अमुक की जगह पर शत्रु का नाम कर नाम बोल देना दोस्तों, दूर करने के लिए यह आपकी मंत्रों का सहारा ले रहा हूं, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें, इतना सा ही बोल दे। बड़ा आसान प्रयोग है दोस्तों। इतना सा बोलने के बाद अब इस पत्ते को आप उसी पौधे के नीचे से जड़ के थोड़ा पास से थोड़ी मिट्टी हटाना और मिट्टी हटा करके उस पत्ते को रख देना और मिट्टी को ढांप देना उस पत्ते पर। दोस्तों एक दिन का प्रयोग है, शनिवार का प्रयोग है। आप जब यह करेंगे तो समझ लेना कि आपके शत्रु का जो भी बल है वह चूर चूर होने लग जाएगा। पहले ही दिन के प्रयोग से देख लेना, पर आपने कम से कम यह 3 शनिवार इस प्रयोग को अवश्य कर देना दोस्तों। अब जितना भी बल है उसका चूर चूर हो जाएगा, आपके आड़े शत्रु कभी नहीं आएगा दोस्तों। करके देख लेना, यदि आपकी बुद्धि मानती है तो आपको इसमें भरपूर लाभ प्राप्त होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बता देना और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।